असलम नाजरीन हम आप तमाम का इस अपने चैनल में ख़ैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने अहलो अयाल के समेत ख़ैर वाफियत से होंगे नाजरीन जो भी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते हैं और आपका प्यार तावुन और जिस कदर आपकी मोहब्बत और सपोर्ट मिल रही है उसके लिए हम आपका तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका ये प्यार मोहब्बत शफ़कत जो है वो बनी रहेगी और वहीं हम अपने नए नाजरीन जो आज हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले हसब दस्तूर जितने भी नए नाजरीन हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं बर वक्त उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे नाजरीन आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जो आज की वीडियो हमारी जिस टॉपिक पे है वो है कि जो ये दौर चल रहा है इसमें हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल की तरफ किस तरह रागिब हुए और उनके बुरे असरात भी हमारे बच्चों पे पड़ सकते हैं और चूँकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है और इस वक्त में जो है इस मोबाइल की अह अशद ज़रूरत है लेकिन किस तरह हमारे बच्चे जो है वो आज के इस दौर में आगे बढ़ पाएँ और हमें क्या प्रिकॉशन हमें लेनी होगी वालदेन को क्या प्रिकॉशन्स लेनी होगी ताकि हमारे बच्चे जो है आज के इस दौर में आगे बढ़े भी और उन पर इस मोबाइल के बुरे असरा भी जो है वो ना पड़ें नाजरीन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे इलतजा करूँगा कि कुछ क्लिप्स हमने लिए हैं मुख्तु जगहों के आप इनको ज़रूर वाच करें कि इस वक्त में अगर हमने अपने बच्चों को जो है मोबाइल्स दे दिए निगरानी न रखी तो उसके असरात क्या होंगे ज़रा इस वीडियो में हम एक बार ज़रूर देखते हैं नाजरीन आपने इन वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह बच्चे हमारे जो है मोबाइल लेके वो सेल्फ़ीज़ और दूसरी जगहों पे एक ही मोबाइल पे आठ दस बच्चे जो हैं यानी वो या तो गेम्स खेल रहे हैं या तो फिर आ कुछ और जो है मोबाइल पे जो उनके लिए मुफीद नहीं है तो मेरी यहाँ वालदेन से एक अल्तजा रहेगी कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है आज के ज़माने में आपके बच्चे के लिए मोबाइल जो है वो अहम है लेकिन जब आप अपने बच्चों को मोबाइल दें उसके साथ साथ पेरेंट्स को चाहिए वालदेन को चाहिए कि वो ज़रूर निगरानी रखें ताकि इस दौर में आपका बच्चा जो जहां उसको मोबाइल की ज़रूरत हो चाहे वो तालीम हासिल करने के लिए चूँकि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने अभी ऑनलाइन कोविड जब था तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू करवाई थी जिसमें आपके बच्चे के लिए मोबाइल एक वो जो है एक अहम किरदार अदा कर रहा था लेकिन वहीं जो हमने अभी ये वीडियोस देखी वही हम अगर, अगर अपने बच्चों को मोबाइल्स दे देते हैं और निगरानी नहीं रखते या देखते नहीं कि ये बच्चे जो हैं उस मोबाइल का जो है वो बेहतरीन उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या के, आ, कुछ गलत फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो है गेम्स में मशगूल हो जाते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद नहीं हैं बच्चे आपने मैक्सिमम देखा होगा सेल्फ़ीज़ में बच्चे जो है मैक्सिमम मोबाइल को दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते जो उनकी फ्यूचर के लिए जो उनके मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है वो मुफीद नहीं है तो लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे अल्तजा करूँगा गुजारिश करूँगा कि आप अगर मोबाइल्स अपने बच्चों को देते हैं तो उसके साथ साथ जो है उन बच्चों पे आप ज़रूर निगरानी रखें ताकि वो मोबाइल उनके फ्यूचर के लिए उनके मुस्कबिल के लिए जो है वो बेहतर साबित हो और मैं गुज़ारिश करूंगा आप तमाम से इस अपनी वीडियो के ज़रिए कि ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों पे जो है कदगन ही लगा दें मोबाइल ज़रूर दें क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है चूँकि आज आज के इस दौर में मोबाइल आपके बच्चों के लिए अहम है लेकिन साथ ही वो जो है आप निगरानी ज़रूर रखें कि आपके बच्चे जो है वो मोबाइल को किस दिशा में यानी किस सिमत में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये वालदे का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों पे जो है वो निगरानी रखें नाजरीन आज की ये वीडियो जो है आपको कैसी लगी अपने सुजैशंस और अपना ताउन अपनी शफकत प्यार जो है जिस तरह आपने बनाए रखा है मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो सुजेशन हमें और दें कि हमें दूसरे किन टॉपिक्स पर जो है वीडियोज़